देवरानी बिगड़ी हुई है। दोपहर के समय काम्या टीवी देखते देखते बोर हो जाती है, तो अपनी बोरियत दूर करने वो अपनी देवरानी अनुषा के कमरे में जाती है, जहाँ अनुषा फोन में देख कर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है अनुषा, बड़ी मुस्कुरा रही हो, देवर जी से चैटिंग कर रही हो क्या? हरी दीदी आप आइए ना बैठिए, आपके देवर को ऑफिस के काम से फुर्सत हो तब मुझसे बात करें ना। मैं तो अपनी कुछ पुरानी फोटोज देख रही थी। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं अपनी देवरानी की फोटो, कैसी दिखती थी तुम पहले? हाँ क्यों नहीं, बैठिए ना दीदी, मैं अभी हम दोनों के लिए बढ़िया सी कड़क चाय और पकौड़े बना कर लाती हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बना लो। वैसे ना मैं बहुत बोर हो रही थी, चाय पकौड़ों के साथ थोड़ी गपशप हो जाएगी। अब बैठिए, मैं अभी आई। अनुषा रसोई में चली जाती है और उसका फोन ऑन था, इसलिए काम्या उसके फोन में फोटो देखने लगती है। स्वाइप करते हुए अपनी देवरानी की एक फोटो देखकर काम्या दंग रह जाती है, क्योंकि उस फोटो में अनुषा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती हुई दिखाई दे रही थी। ओहो, तो देवरानी जी पीती भी हैं। काम्या, ये फोटो तो तेरे बहुत काम आने वाली है। बस फिर क्या था, काम्या उस फोटो को व्हाट्सएप पर खुद को भेज देती है। कुछ ही देर में अनुषा चाय पकौड़े लेकर आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर बातचीत करने लगती है। रात के समय सभी परिवार के लोग खाना खाते हैं। दाल तो आज बहुत बढ़िया बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। सही कह रहा है बेटा, छोटी बहू की बनाई दाल की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे थोड़ी दाल मुझे भी दे दो। पापा जी ये सब्जी लीजिए ना, बहुत चटपटी बनाई है मैंने। नहीं नहीं नहीं, बड़ी बहू मुझसे ना तीखा पचाया नहीं जाता, उम्र हो गई है ना इसलिए। लीजिए पापा जी दाल, वैसे भी मैंने दाल थोड़ी ज्यादा ही बनाई थी, आप सबको पसंद जो है। ये अच्छा किया, हमें तुम्हारे हाथ की बनाई दाल बहुत पसंद है। बिल्कुल, बड़ी बहू कुछ सीख अपनी देवरानी से, क्योंकि तू तो जब भी दाल बनाती है उबाल कर रख देती है बस। ये बात सुनकर काम्या का मुंह बनना ही था, क्योंकि उसकी देवरानी की वाहवाही जो हो रही थी। अब कुछ देर में सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वीरेंद्र तो सो जाता है, लेकिन काम्या जगती रहती है और अपने फोन में अनुषा के उस फोटो को देखते हुए कहती है, बहुत वाहवाही लुट रही थी ना देवरानी जी, अब इस फोटो को देखने के बाद तुम सबसे कैसे नजरें मिलाओगी मैं भी देखती हूँ। काम्या अनुषा के उस फोटो को फैमिली ग्रुप में देवरानी बिगड़ गई का मैसेज लिखकर भेज देती है। अगली ही सुबह अनुषा अपनी सास को चाय देने जाती है, तो रजनी उसे घूरने लगती है। माँ जी ये लीजिए चाय, बिल्कुल आपकी पसंद की, कम शक्कर ज्यादा चाय पत्ती। मेरी पसंद की चाय क्यों बहू, अपनी पसंद की विस्की ही ले आती। विस्की? माँ जी आप भी ना सुबह सुबह मजाक करने लगी। मुझे फालतू में मजाक करने का शौक नहीं है, नास पिटी मजाक तो तेरे कारण पूरे घर का बन रहा है। माँ जी क्या कह रही हैं आप, मैंने क्या किया है? बहू ये नाटक मत कर, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अनुषा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके सास ससुर किस बात को लेकर उससे नाराज थे। तभी उसकी जेठानी काम्या और जेठ वीरेंद्र वहां आते हैं। देवरानी बिगड़ गई है माँ जी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ये पीती भी है और वो भी सबसे छुपकर। दीदी आप ये क्या कह रही है? ये जो कह रही है वो अपने फैमिली ग्रुप में देख लो, तुम्हारी इस हरकत के कारण सभी रिश्तेदार बातें बना रहे। तभी अनुषा अपना फोन देखती है और उसमें अपनी फोटो देखकर दंग रह जाती है। माँ जी पापा जी ये फोटो तो शादी के बाद गोवा वैकेशन की है, यहाँ तो मैं आपसे पूछ कर गई थी। अरे लेकिन खुलेआम पीने के लिए तो नहीं पूछा था तुमने घर वालों से? बहू तूने तो नाक कटवा दी हमारी। पर माँ जी मेरी बात तो सुनिए। पर कोई भी अनुषा की बात सुनने को तैयार नहीं था, उसकी वो फोटो देखकर सभी उसे बहुत बिगड़ी हुई समझने लगे थे। इस बात के चक्कर में वो काम्या पर भी फोटो को ग्रुप में डालने को लेकर कुछ नहीं कहते। अगले दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी अनुषा आती है। क्या बात है, आज आप लोग बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं, चलिए अच्छा है, समय से खाकर समय से सोना सेहत के लिए अच्छा होता है, मैं भी खाना खा लेती हूँ। रजनी मेरा खाना कमरे में ले आना, मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकता। जी आप चलिए मैं अभी लाती हूँ। सुनिए जी आप भी कमरे में चलिए, मैं थोड़ी और रोटियाँ सेक लेती हूँ। आज जल्दी ले आना, मैं थक चुका हूँ और भूख भी लगी है। अरे पर आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं, सुनिए तो। अनुषा के आते ही सब खाने पर से उठकर चले जाते हैं, कोई उसके साथ खाना नहीं खाता। अनुषा को बहुत बुरा लगता है,
अब इस तरह परिवार वाले अनुषा से अलग अलग रहने लगते हैं, साथ ही उसे ताने भी देते हैं, जिसके कारण उसे घर में अकेले होने का एहसास होने लगता है। कुछ दिनों बाद उसका पति विवेक अपने बिजनेस ट्रिप से घर लौटता है तो अनुषा को कमरे में रोता हुआ देखता है। अरे अनुषा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ दिनों के लिए ही तो तुमसे दूर गया था और अब लौट भी आया हूँ। वो बात नहीं है, मैं तो अपनी गलती के कारण रो रही हूँ। क्या बात है, बताओ मुझे। अनुषा विवेक को सारी बात बताती है और वो फोटो भी दिखाती है। इतनी सी बात के लिए घर वाले तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी विवेक शराब की बोतल हाथ में लेकर आता है और एक पैक बनाने लगता है। कोई कुछ नहीं कहता, सभी हैरानी से देखते रहते हैं। माँ, मैं पैक बना रहा हूँ, आप कुछ कहेंगे नहीं? कैसे कहेंगे, मैं तो मर्द हूँ, मैं पी सकता हूँ ना। आप लोग मुझसे बात करना थोड़ी ना बंद कर देंगे, है ना? तुझे हुआ क्या है, क्यों ऐसी बात कर रहा है? मुझे नहीं, आप लोगों को क्या हुआ है जो आप लोग अनुषा की एक फोटो को लेकर उसे बिगड़ा हुआ समझकर उससे बात नहीं कर रहे? देवर जी, ऐसे बाहर जाकर पीना तो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो किसी की फोटो को फैमिली ग्रुप में डालकर उसका मजाक बनाना भी नहीं है। और आप लोगों ने अनुषा को गलत मान लिया, लेकिन भाभी को ये सब करने की क्या जरूरत, उसके लिए किसी ने उन्हें नहीं डांटा। आप शांत हो जाइए, क्यों मेरी वजह से आप ये सब बोल रहे हैं? क्योंकि इनका बर्ताव गलत है। माँ पापा, मैंने पी तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और अनुषा ने पी तो आपने उस बात का बवाल कर दिया, और वो भी बस एक फोटो देखकर। और बात पीने की है तो भाभी, क्या आपने कभी नहीं पी? विवेक की ये बात सुनकर काम्या अपनी नजरें झुका लेती है और सभी को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं सभी ने मिलकर अनुषा के साथ गलत बर्ताव किया, इसलिए सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अनुषा, मुझे माफ कर दो, अगर मैं वो फोटो नहीं भेजती तो शायद ये सब नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। हाँ बहू, हमने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, हमें माफ कर दे। सभी के माफी मांगने पर अनुषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। दिसंबर की गर्मी। मनोरमा अपनी समधन नीलम से कहती है, बहन जी, अब रिश्ता तो तय हो ही गया है, अब बस कुछ दिनों में बच्चों की शादी हो जाए। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, पंडित जी से बात कर लूंगी मैं, शादी का मुहूर्त आसपास का ही निकालने को कह दूंगी, अब शादी ब्याह जल्दी हो जाए वही अच्छा है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी। अच्छा तो अब हम चलते हैं, अब तो रिश्ता जुड़ ही गया है, आना जाना तो लगा ही रहेगा बहन जी। इतना कहकर मनोरमा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनोरमा के बेटे आदित्य की शादी नीलम की बेटी निधि से हो जाती है। शादी के बाद निधि का ससुराल में पहला दिन था। सर्दियों का मौसम होता है, निधि अपने कमरे में आदित्य का इंतजार कर रही होती है, तभी आदित्य कांपते हुए आता है और निधि से कहता है, हे बाहर कितनी ठंड है, पता नहीं किसका आइडिया था सर्दियों में शादी करने का। दुल्हनों का तो ठीक रहता है, इतना भारी भरकम शादी का जोड़ा पहन लेती है, लेकिन हम बेचारे लड़के जो ठंड से कांपते रहते हैं उनकी तो कुल्फी जम जाती है। इतनी तो ठंड हो भी नहीं रही आदित्य जी जितनी आप कह रहे हो, ये तुम्हें कोई कम लग रही है क्या? अरे मुझे तो कमरे में आने के बाद भी ठंड लग रही है। आप भी ना अजीब हैं, दिसंबर में किसी को इतनी ठंड कैसे लग सकती है भला? मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो लगती है भाई ठंड। अच्छा मैं मोटी वाली रजाई निकाल रहा हूँ, आधी रात तक तो और भी ठंड बढ़ जाती है ना इसलिए। अरे रजाई की क्या जरूरत है, मैं तो एक पतली सी चादर भी ना लूं, और आपको रजाई चाहिए, रहने दो ना आदित्य जी। नहीं नहीं मैं तो ला रहा हूँ, तुम देख लो तुम्हें जो करना है। आदित्य रजाई ओढ़कर सो जाता है और निधि भी पंखा चालू कर देती है, वो भी फुल। इतनी ठंड में आदित्य बेचारा पंखे के नीचे सोता है और उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। आदित्य निधि को कुछ नहीं कहता पंखा चलाकर सोने के लिए, इसलिए अब निधि हर रोज पंखा चलाकर सोने लगती है, लेकिन आदित्य की तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन आदित्य सुबह उठता है तो उसे बहुत गंदा जुकाम हो जाता है और नाक भी बंद हो जाती है। ये देखकर आदित्य की माँ मनोरमा कहती है, क्या हुआ आदित्य बेटा, तुझे इतना जुकाम कैसे हो गया? कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि बाहर जाया कर तो कान ढक लिया कर, ऐसे मौसम में ही ठंड लगती है, और देख तुझे ठंड लग गई ना। माँ मैं अच्छे से बाहर जाता हूँ, लेकिन ये जुकाम ना मुझे निधि की वजह से हुआ है। बहू की वजह से जुकाम? अरे बहू की वजह से जुकाम कैसे हो सकता है तुझे? अब आपकी बहू को दिसंबर में जून जुलाई लगता है तो मैं क्या करूँ, फुल स्पीड पर पंखा चलता है, कितना भी ओढ़ लूं कितना भी ढक लूं
कहीं ना कहीं से तो हवा चली जाती है और फिर ठंड लग जाती है। अरे ये तो बहुत गलत बात है बेटा, इतनी सर्दी हो रही है और बहू को गर्मी चाहिए, पंखा चला कर सोती है, देख उसकी वजह से तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई। बस छोड़ो ना, अब दीदी की क्या गलती है, उसे तो शुरू से ही आदत ना ऐसे रहने की। अब शादी के बाद परिवार पूरा बदल जाता है और हम भी उसे अपनी आदत बदलने को कह दे तो अच्छा नहीं लगता ना। अपने बेटे की बात सुनकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बहू की वजह से आदित्य की तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए जब रात के समय सब सोने लगते हैं तो मनोरमा अपने बेटे के कमरे में जाती है। बेटा एक काम कर, तू जा मेरे कमरे में जाकर सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ जी ये क्या अचानक से आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों, सब ठीक तो है ना? अरे बहू अब तेरी वजह से मेरे बेटे की तबीयत पर असर पड़ रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए बोल रही हूँ। आदित्य तू जा मेरे कमरे में आराम से सो जा, मैं यहाँ बहू के साथ सो जाऊंगी। माँ लेकिन आपको भी तो यहाँ ठंड लगेगी ना, आप कैसे यहाँ सो पाओगी? अरे सो जाऊंगी मैं, और मैं भी तो देखूँ बहू को कितनी गर्मी लगती है, साल का आखिरी महीना है और बहू ने गर्मी का महीना बना रखा है। चल तू जा अब सो जा, आराम से जा, हाँ मैं हूँ यहाँ। आदित्य अपनी माँ की बात मान लेता है और जाकर अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। लेकिन यहाँ निधि के साथ सोकर मनोरमा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अब भी पंखा फुल स्पीड था। मनोरमा ठंड के मारे कांप रही थी और आधी रात को उठकर बाहर हॉल में जाकर सो जाती है। जब सुबह सब उठते हैं तो आदित्य और निधि मनोरमा को हॉल में सोते हुए देखते हैं तो आदित्य कहता है, माँ क्या हुआ, अब ठीक तो है ना? आप तो कमरे में सो रही थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गई? हाय बेटा, तू बहू के साथ कैसे सोता है? एक तो कड़ाके की वैसे ही सर्दी हो रही है, ऊपर से बहू ने कमरे में जैसे फ्रिज खोल दी, मेरी तो रात में ही तबीयत खराब हो गई। माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मत सो कमरे में, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, और देखो हो गई ना आप तबीयत खराब। और निधि माँ तुम्हारे साथ सो रही थी तो तुम थोड़ा कम पंखा नहीं रख सकती थी? अरे माँ जी को मैंने थोड़ी ना बोला था मेरे साथ कमरे में सोने के लिए, वो तो खुद ही आई थी ना, और मुझे गर्मी लगती है तो मैं क्या करूं? मैंने इससे भी कई ज्यादा ठंडी देखी है, लेकिन इतनी सी ठंड में आपका ये हाल हो गया, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब निधि के साथ कोई भी नहीं सोता, क्योंकि जो कोई भी उसके साथ सोता उसकी तबीयत ही खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन सब लोग हॉल में बैठे थे तभी वहां निधि आ जाती है और एसी चालू कर देती है, जिसके बाद मनोरमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू ये क्या है, हम सब यहाँ बैठे हैं और तूने एसी चला दी, और वैसे ही तेरे साथ सोकर अब तक हमारी सर्दी दूर नहीं हुई और फिर तूने यहाँ एसी चला दी, अरे हमें क्या मारने का इरादा है तेरा? माँ जी आप लोगों को अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो आप लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ ना, मुझे तो गर्मी लग रही है, अब मैं यहाँ एसी ना चलाऊं तो क्या करूं? लेकिन निधि यहाँ तुम अकेले तो नहीं बैठी हो, यहाँ और भी बाकी सब लोग बैठे हैं ना, हम तुम्हें कुछ कहते नहीं तो तुम भी तो हमारे बारे में समझो कुछ। अरे बेटा इसे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं, इससे तो वही करना होता है जो इसका मन करता है। लेकिन माँ हमें इसे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, वरना ये तो दिसंबर में हमें मार ही देगी, मुझे तो अब घर में भी चार चार कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे बहू को बोल देंगे तो वो जैसे मान ही जाएगी, है ना? अब तो मैं कल बहू की माँ को ही बुलाती हूँ, सीधा बहू की माँ से ही बात करूंगी। अगले ही दिन मनोरमा निधि की माँ नीलम को बुलाती है, और जब नीलम घर आती है तो मनोरमा नीलम से कहती है, और बताइए नीलम जी कैसी है तबीयत आपकी, सर्दी सुखाम तो नहीं ना? नहीं नहीं बहन जी सब ठीक है, आप बताओ कैसी हो? बहन जी आप तो ठीक हो लेकिन हम नहीं, अरे कैसी लड़की है ये, दिसंबर में इसे गर्मी लगती है, अरे हम लोगों को तो हर रोज सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ तो समझाओ। बहन जी तभी तो हमने इसकी शादी की है, अब 12 महीने बिजली का बिल भरो और इसे संभालो, दिसंबर में गर्मी तो बस इसे ही लगती है। सही कहा, अब तो बहू बन ही गई है तो झेलना ही पड़ेगा। मनोरमा जी को अब ऐसी बहू को ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है, जिसके बाद मनोरमा और आदित्य बस गर्मियों के आने का इंतजार करते थे, क्योंकि तभी तो मुमकिन होता था निधि के पास बैठना।